दिया है तो प्रवेश दो के नारे से आज झुंझुनू में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एसएफआई जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि 33% पर विद्यार्थियों को पास कर दिया जाता है, लेकिन सरकारी कॉलेज में एडमिशन के वक्त 80% तक के विद्यार्थियों का भी प्रवेश कम सीटों के कारण नहीं हो पाता। इसलिए पास दिया है तो प्रवेश देने के लिए सरकार योजना बनाए। वहीं सभी कॉलेजों में 25% सीटें बढ़ाने की मांग की। गुर्जर ने बताया कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट किया गया है। वैसे तो अब उनके प्रैक्टिकल भी न लिए जाए। गुर्जर ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों ने मिलीभगत कर प्रैक्टिकल करवाने का फैसला किया है। अब प्रैक्टिकल के नाम पर विद्यार्थियों से चौथ वसूली की जा रही है। आज छात्र संगठन एसएफआई ने राज्य स्तरीय आन के तहत कॉलेजों के अंदर पास किया तो प्रवेश दो के तहत कि विद्यार्थियों को 33% के अंदर पास कर देते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम 90-90, 80-80% मांगते हैं, जिस वजह से बहुत से जो गरीब विद्यार्थी हैं, किसान के जो विद्यार्थी हैं, वो सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते हैं और ना ही वो प्राइवेट कॉलेज में जा पाते हैं, इसलिए वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हम ये मांग करते हैं कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर 25% सीटें बढ़ाई जाएं। दूसरा, हमने जो प्रायोगिक परीक्षा हो रही है उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। जब उनको थ्योरी के अंदर पास कर दिया है तो फिर ये प्रैक्टिकल किस नाम के अंदर? यह यूनिवर्सिटी तथा जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी मिली भगत है, ये सब पैसे का खेल है। इसके तहत विद्यार्थियों को गुमराह करके उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, जिनका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल नहीं होने चाहिए। यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन ऐसा करवाता है तो एसएफआई एक बड़ा आंदोलन लड़ेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी प्रशासन की और कॉलेज प्रशासन की होगी। आज क्या किया आपने? आज हमने प्रैक्टिकल नहीं करवाने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल नहीं करवाने के लिए ज्ञापन तथा पूरे राजस्थान में हर कॉलेज के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर 25% सीटें बढ़ाई जाएं, इसके लिए हमने मांग रखी है।